नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ वो जुड़ी हुई है एसएससी के एमटीएस के 2019 के एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने अपने सीआर रीजन और अदर रीजन दोनों के लिए एमटीएस के एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप 10 सेकेंड से भी कम समय में अपना डायरेक्ट लिंक से सीधा एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और एसएससी ने क्या वार्निंग दी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके व आपके पास पहुंचे वह सटीक न्यूज। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहां पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, उस पर दोस्तों आप नीचे जाइएगा। जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रवेश पत्र डाउनलोड लिखा आ रहा है दो नंबर पे हिंदी में, और यदि कोई दोस्तों इंग्लिश में देखना चाहता है तो इंग्लिश में है वो उसके नीचे मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करें यदि हिंदी से कैसे देखना है तो दोस्तों आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रवेश पत्र डाउनलोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद में नीचे जाइए, ये देखिए स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड स्टेटस, स्टेटस और मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन टायर 1 2019। यही आपके दोस्तों एसएससी के एमटीएस के एडमिट कार्ड है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो लगानी है, फादर्स नेम लगाना है और DOB लगा देनी है। उसके बाद में सर्च कर देना है स्टेटस पर, यदि आप अपना रोल नंबर जानते हैं तो दोस्तों रोल नंबर फादर्स नेम और DOB के द्वारा भाई देख सकते हैं। यदि आप रोल नंबर नहीं जानते तो अपने नेम फादर के नेम और डेट ऑफ बर्थ से भी दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और अब यदि मैं आपको बात करूं कि एसएससी ने क्या वार्निंग जारी की है तो दोस्तों एसएससी ने ये वार्निंग जारी की है कि कोई भी कैंडिडेट है वो एक बार से ज़्यादा प्रवेश पत्रों को डाउनलोड ना करे, बार बार साइट पर जाकर अपने प्रवेश पत्र ना देखे। यदि कैंडिडेट ऐसे करता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एसएससी ने पहले ये वार्निंग दे दी है कि उनका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों, ब्लॉक करने के बाद कि आप फिर से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और जो भी सूचना या अपडेट आएगा आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम से जुड़ा हुआ वो भी आप नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे एसएससी एमटीएस के सभी कैंडिडेट्स को पता चल सके कि उनका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ एसएससी ने क्या वार्निंग दी है दोस्तों उनके एडमिट कार्ड को लेकर, ये भी उन्हें पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे और भी वीडियो जैसी और भी न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।